यूट्यूब चैनल से चलिए आज हम बनाते हैं सबका फेवरेट और झटपट बनने वाला पनीर सैंडविचेस। तो इसके लिए हमने सबसे पहले रखा गैस पे एक कढ़ाई, उसमें डाला तेल, तेल के गर्म हो जाने के बाद उसमें डालेंगे लहसुन आदि और मिर्चा का पेस्ट। उसके बाद डाल दिए प्याज, प्याज के बाद डाला है शिमला मिर्चा। शिमला मिर्चा डालने के बाद हम सबको थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद डालेंगे टमाटर, टमाटर के बाद हम डाल देंगे उसे नमक। नमक डालने के बाद उसको भून लेंगे और भूनने के बाद उसमें डालेंगे गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च और डाल के हम इसे अच्छे से भून लेंगे। भूनने के जब भून जाएंगे सब्जियां सब, तो उसमें डाल देंगे पनीर। पनीर डाल के इसको पूरे अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहाँ पे हमारा ग्रेव स्टफिंग तैयार हो गया। इधर हम लेंगे ब्रेड, ब्रेड ब्रेड पे मैंने डाला है किसान केचप और उसके बाद उस पे से जो हमने स्टफिंग बनाई थी उसको डाल दिया और फिर उसको सेकने के लिए उधर मैंने गैस पे तवे पे तवा रखा। तवा को आप तवा पे ऑयल मैंने यूज किया, आप यहाँ बटर भी यूज कर सकते हो। उसके बाद उस पे जो सैंडविचेस है उन लोग को दोनों बगल हम सेक लेंगे और सेकने के बाद इसे हम फिर डायगोनली और रेक्टेंगली आप जैसे जिस शेप में चाहते हैं उस शेप में काट के सर्व कर दें चटनी, हरी चटनी या लाल केचप